हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और एज यू नो मैं हूँ मधु सुंदर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मेरा पूरा फुल लंच रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। और आज जो है, आज सैटरडे है, तो हैप्पी सैटरडे टू ऑल। तो आज मेरे लिए कुछ खास सा दिन नहीं है, बट इस तरह से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत स्पेशल तरीके से लंच बनाऊँ। तो इसलिए मैं अभी मेरा जो ब्लॉग है मेरा स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है वो है 11:30। तो ऑलरेडी हमारा जो ब्रेकफास्ट वगैरह वो सब खत्म हो चुकी है। ब्रेकफास्ट में आज बनाया था रब्बा उपमा और बहुत ही अच्छा बना था, तो हम लोगों ने सारे मिलके खा चुके हैं। हस्बैंड जो है कुछ काम से बाहर गए हैं और एंजल और मैं हूँ। एंजल अभी अपने टॉयज के साथ बिजी है और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो क्यों ना मैंने सोचा कि एंजल जब थोड़ा सा बिजी है अपने टॉयज के साथ, तो मैं आपके साथ थोड़ा सा बात कर लेती हूँ और मेरा जो लंच रूटीन है वो शेयर कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो किचन थोड़ा बहुत मेस हो गई है, क्योंकि सुबह का जो ब्रेकफास्ट के बाद मैंने किचन को क्लीन नहीं किया था और बर्तन भी मेरे पड़े हुए हैं और ऑलरेडी मैंने कटिंग वगैरह ये सब कर लिया है लंच के लिए। लो आज लंच बहुत ही स्पेशल तरीके से बनेगा। बहुत स्पेशल तरीके से नहीं, कुछ रेसिपी मैं ट्राई कर रही हूँ तो आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से किचन में चलते हैं और कुछ बनाते हैं लंच के लिए। आज मैं लंच में बना रही हूँ कढ़ी पकौड़े बनाऊंगी। तो पकौड़ा मैंने अभी तक नहीं बनाया है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा ग्रीन चिली मैंने यहाँ पर कट करके रख लिया है। तो पहले जो है मैंने यहाँ पर राइस को भी ऑलरेडी चढ़ा दिया है, क्योंकि राइस पकने के लिए बहुत टाइम लेता है। तो मैं जब थोड़ा सा फ्रेश हो रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि राइस को भी बिठा लेते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी, तो कढ़ी के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर्ड ले लूंगी। ये तो सभी को पता है, बट कुछ व्यूअर्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे मैं किस तरह से कढ़ी बनाती हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं दही ले रही हूँ, ये जो दही है ज्यादा खट्टा नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ले रही हूँ। उसमें मैं ऐड कर दूंगी ये बेसन, और बेसन में यहाँ पर डालूंगी 2 बड़े चम्मच बेसन डाल दूंगी। बस इतना ही, इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करना होता है, क्योंकि इसमें अगर लम्स रह जाता है तो कढ़ी जो है अच्छा नहीं बनता है और बेसन जो है पकने के बाद थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी मैं कढ़ी का प्रोसेस स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी ले लिया है, लाइट ऑन कर देती हूँ, अभी ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी ले लिया है, अभी मैं कढ़ाई में ऐड करूंगी तेल। तो तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी जीरा, और यहाँ पर ऐड कर दूंगी बहुत सारे राई डाल दूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा उड़द का दाल, फिर मैं डाल दूंगी इस तरह से 2 सूखी मिर्च को इस तरह से तोड़ के डाल दूंगी, थोड़ा सा ग्रीन चिली, फिर थोड़ा सा प्याज, इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद मैं डाल दूंगी थोड़ा सा हींग, मैं इतना हींग डाल रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं डाल दूंगी बहुत सारे करी लीव्स। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी
थोड़ा सा हल्दी, और थोड़ी सी ये लाल मिर्च पाउडर। इसको आप लो फ्लेम में ही पकाना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम में पकाएंगे तो मसाला जल भी सकता है। तो ये टाइम पर मैं ऐड कर दूंगी ये जो मिक्सचर। कढ़ी में बहुत सारा पानी चाहिए तो मैं यहाँ पर बहुत सारा पानी भी डाल रही हूँ। अभी इसको पकने के लिए 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। कढ़ी को टाइम चाहिए, आप जितना कढ़ी पकाएंगे उतना ही आपका जो कढ़ी है बहुत ही अच्छे बनेगा। तो अभी जब तक कढ़ी बनता है तो मैं इसमें जो है पकौड़ी बना लूंगी। पकौड़ी के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ले रही हूँ प्याज। प्याज वाला पकौड़ी आप बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल वाला भी बना सकते हैं। तो हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ी सी प्याज, साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा करी लीव्स। करी लीव्स का एक्चुअली फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा आता है। तो फिर इसमें ऐड कर दूंगी बेसन। तो ये प्रोसेस में मैं हमेशा राइस से पानी निकालती हूँ, और ये प्रोसेस आप घर में मत ट्राई करना क्योंकि ये थोड़ा सा रिक्सी है। मैं इसको करते करते हो गया है आई थिंक 4-5-6 साल हो गया है, क्योंकि मेरी मम्मी से मुझे ये ट्रिक जो है मालूम पड़ा। तो मम्मी भी मेरी इस तरह से करती थी, बट शुरू शुरू से मुझे भी थोड़ा सा परेशानी हुई, जैसे कि हाथ में थोड़ा सा गर्म लग जाता था कभी कभी। तो इसको मत ट्राई करना, बट मुझे इसका आदत पड़ गई है। तो मैं इस तरह से ग्लास रख के अच्छे से इसको कर देती हूँ, 15-20 मिनट्स के बाद फिर से निकाल देती हूँ। तो अच्छे से जो चावल जो है खिला खिला बनता है और कोई भी पानी नहीं रहता है। तो अभी मैं बनाऊंगी पनीर की बटर मसाला। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सी ओनियन, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा लहसुन और छोटा सा 1 इंच का अदरक इस तरह से बॉईल कर लिया है। अच्छे से 10 मिनट्स बॉईल करने के बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो मैं अभी क्या करूंगी, ये सारी जो चीजें है इसको ग्राइंड कर लूंगी। और बटर मसाला एक्चुअली बनाने में बहुत ही इजी है और टेस्टी भी होता है। तो बहुत दिनों से मैं भी नहीं बनाया था तो मैंने सोचा कि आज बना लेते हैं। और ये जो पानी को मैं रख दूंगी ग्रेवी के लिए।
ये जो है ये घर का मलाई मैं यहाँ पर ले रही हूँ, जो दूध गर्म करने के बाद जो ऊपर रह जाता है उस मलाई को मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो कुकिंग वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुकी है और अभी जो बच रहे हैं वो है 2:30 और हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, अंजल खा के सो गई है। तो इन बीचों में मैं बहुत सारा काम कर लिया है, जैसे कि कल जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के लिए मैं घर को पूरा तरीके से क्लीन कर दिया है। सिर्फ मुझे थोड़ा सा पीतल का जो सामान होता है पूजा का वो क्लीन करना है, वो है। और कुकिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, अंजल खा के सो गई है और मैंने छत पे भी गई थी कपड़े सुखाने के लिए, वो भी काम हो गई है। तो अभी जो वेदर है थोड़ा सा बाहर क्लाउडी टाइप का हो गया है, बट सुबह जो है बहुत ज़ोर से धूप हो रही थी, तो आई होप मेरे जो सारे कपड़े हैं वो सूख जाएं। तो और 2-3 कोरियर भी आ चुके हैं, वो सारे मुझे खोल के देखना है और ये सब मुझे काम करना है। और आज सैटरडे है बट कुछ भी प्लानिंग नहीं है, सच में बोरिंग सा लग रहा है क्योंकि घर में कोई नहीं है तो लग ही नहीं रहा है कि सैटरडे है। तो हस्बैंड को वेट कर रही हूँ, आने के बाद हम लोग मिलके लंच करेंगे। और पनीर का जो सब्जी बनाई थी थोड़ा सा मैं चेक के देखा कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा है मुझे, तो आई होप हस्बैंड जल्दी से आ जाए क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही है। मेरे चैनल पे जो मैं ब्लॉग्स वगैरह डालती हूँ और मेकअप रिलेटेड जो भी चीज़ें डालती हूँ आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और इसलिए थैंक्स टू ऑल। तो इस तरह से ही मैं मिक्स करके जो है मेरे चैनल पे वीडियो डाला करूँगी, तो एक एक ब्लॉग जाएगा बीच में, एक एक मेकअप का चीज़ जो वीडियो है वो जाएगा, कुछ डी वाला चीज़ जाएगा, साथ ही साथ कुछ स्किन केयर हेयर केयर जो भी रिलेटेड वीडियो में बनाती हूँ वो मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं इस तरह से ही हूँ, जो भी चीज़ें करती हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो अगर मैं स्किन केयर कुछ करती हूँ तो आप सभी लोग पूछते रहते हैं मैं क्या करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा है कि स्किन केयर की जो चीज़ें हैं जो भी मैं करती हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी जाऊँगी थोड़ा सा जो पीतल का सामान है वो क्लीन करने के लिए, और क्लीन करने के बाद जो है मैं कुछ वीडियो के बारे में सोचूंगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, वीडियो को एडिट भी करना है, ये सारा काम करने के बाद मैं थोड़ा सा फ्री होंगी। और शाम को देखते हैं, अगर कहीं पे बाहर जाते हैं तो बाहर जाएंगे, नहीं तो घर में ही रह के बातें करेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको मिलती हूँ बाद में। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Oh, 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 oh.
through the highways till my shadow turns to sun rays, and on and on. मंदिर को क्लीन करने के बाद एक्चुअली हम लोग नीचे चले गए थे हस्बैंड में और एंजल, और यहाँ पर जो है धुले हुए कपड़े यहाँ पर मैंने बेड पे लाके रख दिया है। तो सारा काम खत्म होने के बाद इसको समेटने के बाद मैं कबर्ड में रख दूंगी, तो बेड जो है खाली हो जाएगा। और एंजल यहाँ पर दूध पी रही है, राइम्स मेरा यहाँ पर चल रहा है क्योंकि जब तक मैं राइम्स वगैरह नहीं लगाती हूँ टीवी पे तो ये दूध भी नहीं पीती है, थोड़ा सा पीती है फिर छोड़ देती है। तो इसकी वजह से मैं सोचा कि चलो कोई तो दूध पी ले, कुछ तो दूध पी ले, इसलिए राइम्स थोड़ा सा लगा दिया है। अभी मैं आ गई हूँ और सुबह का खाना जो है थोड़ा बहुत है, सिर्फ मुझे अभी रोटी को बनाना है, किचन को क्लीन करना है, और जो पूजा की जो चीज़ें हैं, जो भी पीतल का जो सामान है वो सब मुझे क्लीन करके रखना है। और कुछ फ्रूट्स वगैरह मैं लेके आ गई थी, मीन्स हस्बैंड लेके आ गए थे, वो सब थाली में रखना है। और सिर्फ मुझे केला लेना है, बट केला यहाँ पर जो है फ्रेश नहीं मिला, अच्छा वाला नहीं था, तो इसलिए सुबह ही कल लेके आऊँगी पूजा के लिए, और दूध लेके आऊँगी, दही लेके आऊँगी। ये तीन चीज़ें मैं कल लेके आऊँगी क्योंकि पंचामृत में दूध और दही ये सब चाहिए होता है, तो कल ये सब लेके आऊँगी। और अभी तक कुछ भी पूजा का तैयारी वगैरह नहीं हुआ है, तो जो भी मैं जो भी कपड़े वगैरह भगवान के होते हैं वो सब मेरे पास नया था, तो मैंने सोचा कि उसको ही लेके पूजा कर देते हैं। तो ये सब चल रहा है, अभी सारा घर को क्लीन करूंगी। और एंजल तो अभी दूध पी रही है, उसके लिए दो रोटी बनाना है और मेरे लिए दो रोटी बनाना है, चावल थोड़ा सा है, कड़ी भी है, पनीर की सब्जी भी है, तो आज का डिनर इस तरह से चल जाएगा। हस्बैंड अभी तक नीचे ही है, और नीचे थोड़ा सा घूमने के बाद मैं चली गई थी एक फ्रेंड के घर, वहाँ पर बहुत सारा बातें की, और दो फ्रेंड भी वहाँ पर आ गए थे, तो हम तीनों ने मिलके बहुत सारा बातें कर रहे थे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अभी जो टाइम हो रही है वो है 8:30 बज रहे हैं, तो अभी जल्दी से जाती हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And फाइनली मेरा जो सारा काम है वो ख़त्म हो गई है, और यहाँ पर मैं भगवान कृष्ण जी के लिए सारा भोग भोग यहाँ पर तैयार कर लिया है। और ये मेरे पास बहुत ही अच्छा सा एक येलो कलर का कपड़ा था, तो ये नया वाला मैंने इस्कन टेंपल से ख़रीदा था, और यहाँ पर सारे जो पीतल का सामान है वो सब मैंने धोके यहाँ पर सुखा दिया है, तो ये जो कपड़ा है मैंने अच्छा वाला कपड़े से ये सब सुखाया है। और फाइनली मेरा जो केला भी मुझे मिल गई है, तो वो
सूप का आइटम सारा ख़त्म हो चुकी है। अभी मुझे सुबह स्वीट दूध और दही ये सब लेना है। तो आई होप ये जो मेरा वीडियो है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी मेरे इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो विश यू हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। बाय बाय, स्टे हैप्पी।